इम्पोर्टेंट केस स्टडी है। एक बंदा था और वो अकाउंटेंट की पोजीशन सब जानते हैं ना, हिसाब किताब रखते हैं। उसकी पोजीशन के लिए सीवी लेकर पहुंचा कंपनी में, और जैसे ही वो पहुंचा उसने बहुत सारे झूठ लिखे थे, मैंने ये किया है, मैंने ICW है, ये फला आटिका। और जब उसका क्रॉस चेक हुआ, कंपनी के कसूर होते हैं, मल्टीनेशनल क्रॉस चेक जरूर करती है पुरानी कंपनी से, तो वहां पे पता चला कि सब कुछ झूठ है। और बंदे ने इतने सफाई से झूठ बोला था कि उसको उसका कोई पकड़ नहीं पाया। क्या किया होगा कंपनी ने उसके साथ, निकाल दिया होगा? नहीं, उसको ना हायर किया, लेकिन अकाउंटेंट पोजीशन के लिए नहीं, मार्केटिंग के लिए। कंपनी ने कहा मेरे को बेवकूफ बना गया, एक दूसरे को बहुत अच्छे से बेवकूफ बना गया, उसको तो मार्केटिंग के लिए रखना है। तो आपका जो टैलेंट है ना, वो कहीं भी काम आ सकता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और आपका सीवी झूठ भी है और आपको झूठ बोलना ढंग से आता है, तो आप समझ लीजिए आपने आधी जंग जीती है। कॉन्फिडेंस वो चीज है, वो पता है ना, समझ आई? चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं, हाव भाव। और इस पे आई कॉन्टेक्ट पे मैंने बात की थी, इसे जब भी आप प्रेजेंटेशन या माइक पकड़े, सबसे बात करें, किसी एक बंदे से बात मत करिए। अब मैं सिर्फ मैम से ही बात करूं तो फिर आप लोगों को कैसा लगेगा, मैम को ही समझा लो आप क्यों आई है। सबसे बात करना जरूरी है, सबसे आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, जो मैं बात कर रही हूँ उसकी क्रेडिबिलिटी पता चलती है, ठीक है। और IMC में आगे आने के बाद आपको ऐसे मौके बहुत आएंगे कि माइक पकड़ के आपको बहुत लोगों के सामने बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने पड़ेंगे। तो ये चीजें तो आपको सीखनी है, ये आपकी कंपनी में आने का एक हिस्सा है जो आपको सीखना है, कॉन्फिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, प्रीरिक्विजिट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब आते हैं शब्दों, हालांकि शब्दों का मैंने कहा है कि सिर्फ 7% इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन 7% भी सही होने चाहिए। अब ये 7% शब्दों का भले ही बोलने में 7% हो, जब हम बिजनेस राइटिंग करते हैं, ईमेल लिखते हैं, वहां तो सिर्फ कंटेंट ही काम आता है, आपने क्या लिखा है, राइट? तो उसमें क्या होना चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए? एक होता है टोन, आपके बात करने की टोन कैसी है। एक होती है ना बड़ी घमंडी टोन होती है लोगों की, क्या कर रहा है, कभी है कि नहीं, प्रॉपर काम कर रहा है, समझ रहे हो? तो बंदे की क्या है, टोन खराब है, शब्द गलत नहीं है, क्या कर रहा है, यही इसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या कर रहा है, ठीक से काम कर रहा है, कहां गलत हुआ वो बंदा, टोन में। टोन खराब नहीं होनी चाहिए हमारी बात करते वक्त, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि IMC में हम लोग इतनी चीजें क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि आपका जो काम है वो बातों का ही है, बोलने का ही काम है। अगर आप बोलना ढंग से सीख लें तो आप अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से बेच पाएंगे, अदरवाइज आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर बैठे रहे कोई नहीं सुनेगा आपकी। आपको ये कला तो आनी ही चाहिए, जीवन में कुछ भी करें, कुछ भी करने जाए अगर बोलने की कला ढंग से आती है तो आप आधी जग जीत लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है पिच। अब पिच क्या होती है, कई लोगों की आवाज नहीं होती है बिल्कुल कान में चुभने वाली, जैसे एग्जांपल, समझ रहे हो? तो ऐसा लगता है जैसे अब वो कितनी भी अच्छी बात करे, ऐसा लगता है बस कान में किसी ने ईद कर दी हमारे। तो वो पिच भी आपकी बहुत सही होनी चाहिए, तो बहुत हाई पिच पे आपको हिमेश रेशमिया नहीं बननी है, आपकी पिच भी बहुत सही होनी चाहिए कि लोगों को सुनने में इंटरेस्ट आए। अपने माइक पकड़ा है या आप सामने खड़े हुए हैं तो याद रखिए कि आपकी जुबान ऐसी होनी चाहिए कि लोग एक बार तो सुन लेते हैं क्या अच्छा बोल रहे हैं, है ना? तो आपकी पिच भी बहुत सही होनी चाहिए, पिच लो होनी चाहिए, पिच ऐसी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप? तो टोन और पिच दोनों की इंपॉर्टेंस समझिए। तीसरा होता है सिलेबल स्ट्रेस, जो बात हम कहना चाहते हैं उस पर जोर दीजिए। जैसे मैं कहना चाहती हूँ IMC के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, IMC के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, समझ आए? मैं जो दो बातें कहना चाहती थी, IMC के प्रोडक्ट और अच्छे हैं, मैंने उस पर जोर दिया, समझ आ रहे? इस ऐसे बात करने से आप अपनी बातों को दूसरों तक बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। एक जा रहा है बिल्कुल ट्रेन की तरह, IMC के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप उसको यूज करिए, आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको बहुत मजा आएगा,
एक मैं इस तरह से कहूँ INC के प्रोडक्ट बहुत अच्छे, यूज करके देखिए आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कुछ चीजें मैं आपको सिखा रही हूँ, ये हमारे क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ, विप्रो में काम किया है मैंने, वहां पे जब हम फॉरेन क्लाइंट से बात करते थे तो हमारे तो आपके शब्द अगर बहुत अच्छे हैं तो लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, अगर आपके शब्दों की चॉइस गलत है तो झगड़े हो जाते हैं, है ना। तो शब्दों को बहुत अच्छा चुनिए और यहां से यहां तक का कनेक्शन कटा हुआ नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, यहां से यहां का कनेक्शन कटा हुआ हुआ तो फिर आप बोलने के बाद सोचते हैं अरे क्या बोल गया मैं, तो कुछ भी आप बोले 2 मिनट टाइम लें, और इसलिए आपकी स्पीड हमेशा नॉर्मल हो बात करने की, कई बार क्या होता है जो लोग जल्दी बोलते हैं ना वो कुछ भी बोल जाते हैं और उसके बाद पछताते हैं, अरे यार मुझसे नहीं करते, इसलिए एक शब्द से एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ जाने से पहले थोड़ा पॉज लीजिए, ये इसलिए हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो सब में पूर्ण विराम आता है ताकि वहां आप रुके, राइट आया समझ। फिर आता है हम्बलनेस, हम्बलनेस विनम्रता कितनी जरूरी है विनम्रता बहुत जरूरी है, क्यों, मेरा बेटा तो ऐसे ही बोलता है दिल का बड़ा साफ है, बहुत अच्छा है दिल का साफ है लेकिन ऐसा ही बोलता है, एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में नहीं, मेरा बच्चा थोड़ा ऐसे ही लेकिन बात बहुत अच्छी करता है, एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में नहीं, आपकी जुबान भी उतनी ही हम्बल होनी चाहिए जितने आप खुद हम्बल हैं, उतने ही विनम्र होने चाहिए, विनम्रता कुछ नहीं ले जाती आपसे, बहुत कुछ देके जाती है जीवन में, आपका एक अच्छा शब्द लोगों के जहन में बहुत सालों तक रह जाता है और शायद वो आपको कभी ना कभी वो लौटाते हैं, बहुत अच्छी बात की थी उससे मिलकर बड़ा मजा आया, ऐसे कई लोग होते ना अपनी लाइफ में यार उससे मिलकर बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, बहुत मृदुभाषी है, बहुत मीठा बोलते हैं, है ना, तो ऐसे लोग हमेशा याद रह जाते हैं, या तो वो भी रह जाते हैं जो बदतमीज होते हैं बस अच्छे वे में याद रह जाते हैं। कॉन्फिडेंस इन वॉइस कितनी जरूरी है, कॉन्फिडेंस मैंने डॉक्टर्स का एग्जाम्पल बताया, कॉन्फिडेंस कितना जरूरी है ना, अब ना ये मैंने बता तो दिया कितना समझ आ रहा है, मैं उठा के पूछूंगी किसी को ऐसे नहीं, तो किसी को बोलूंगी मैं आने के लिए और आना पड़ेगा, तैयार हो बिल्कुल आप मैं क्यों मैडम मैंने क्या बिगाड़ा है आपका आना पड़ेगा आप आओ अरे आ जाओ अरे मैं दिखती डेंजरस हूँ भूली थोड़ी जाओ देना अरे प्लीज प्लीज अरे आना तो पड़ेगा ही आ जाओ चलो आप जल्दी आओ अरे नौखा हमारा गांव कॉन्फिडेंस हमारे में बहुत ज्यादा है। अच्छा अब आपको आपके बारे में बताना है कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन से शहर से हूँ और INC बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने यूज किया है और आप भी यूज करें, अपनी लैंग्वेज में अच्छे से बताओ, मारवाड़ी मत बोलना, मेरे को नहीं आता मैं मराठी बोलती हूँ। हेलो माय नेम इज मनीष शर्मा, मैं नौका से हूँ, मैंने INC यूज किया, INC का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आप लोगे क्या गलत, अच्छी बात बोली है उसने, लोगे क्या, उनको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था, तुम सच में यूज किए प्रोडक्ट, ये सिर्फ ऐसे ही चित्र वित्र देखे आएंगे, गंगा ने यूज किया कॉन्फिडेंस है। अब एक काम करो, जो चीजें कोई बात नहीं बेटा 20-30 सब 100 तक जाओगे विशाल जी की कृपा रही, लेकिन अब एक बात बताओ कि ये जो तुमने यूज किया है तुम्हें बहुत अच्छा लगा, अब जो मैंने सिखाया है ना अब वो लैंग्वेज में बोलिए, बोला जाएगा क्यों नहीं बोला जाएगा, अरे मैंने यहाँ पे क्या एरोप्लेन बनाना सिखाया है आपको, नहीं ना, क्या सिखाया है, कॉन्फिडेंस लाने तो सिखाया है, ये थोड़ी बोल रही आओ अपना प्लेन बनाओ चलो, जो प्रोडक्ट यूज किया उसको कॉन्फिडेंस से बोलिए चलो,
सोचना पड़ेगा बेटा, 20 से आपको 100 तक जाना है अपने, तो सीपी भी बनना है। बहुत है मैडम, एक आईब्रो स्टार्टिंग बहुत है, खड़ा है 20 में भी बहुत खुश हूँ मैं। आओ मैडम, कोई है यहाँ पे जिसको लगता है मैं जो मैम ने सिखाना वैसे ही किया? आओ जल्दी आओ, यही बोले थे कि कॉन्फिडेंस नहीं है मैडम, आ जाओ। मतलब उसको कॉन्फिडेंस है, मतलब यहाँ पे वो भी है एरो, कॉन्फिडेंस किसके पास है? उसके पास। ये भी पता है सबको, अरे खुद पे मैं किसको सिखा रही है, उसको थोड़ी सिखा रही है जिसके पास ऑलरेडी एरो बना हुआ है, उसके पास कॉन्फिडेंस है। मैं आ जाओ, ये धनराम के आज लोग इतने शर्मा कैसे रह गया? नहीं मैं ना, मैं डेंजरस, मैंने बोला मैं डेंजरस दिखती हूँ नहीं। अच्छा लेडीज ट्रेनर है जी, यार मैं तुम्हारे लिए जेंडर तो नहीं चेंज करूंगी। आ जाओ बेटा, ये नौखा भी लड़कियाँ प्लीज, वीमेंस डे आ रहा है ऐसा नहीं। अभी तो बोला लड़कियों का जमाना, अरे नाम शारदा देवी है, मैं नौकी से रहने वाली हूँ। मैंने INC ये चूज किया था 2-3 महीने पहले और मैं बहुत अच्छी तरह से ये INC कंपनी के सामान बेच रही हूँ, यूज भी कर रही हूँ और सबको लेते हैं, उनको कहती हूँ आप एक बार यूज करोगे फिर मेरे से और मंगाओगे। मेरे को इतना समय नहीं मिलता था, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वर्कर हूँ, आज मेरे सर विजिट कराने वाले थे, मैं उनसे छुट्टी मांग के और ड्यूटी ज्वाइनिंग करके आई हूँ और मैंने इसी मीटिंग के लिए मैं सोचती हूँ मैं आऊंगी, लेकिन मनीष जी ने कहा आप एक बार चाची जी चलो, लेकिन मैं मेरे पास बहुत काम है, लेकिन मैं एक बार मीटिंग देखने को चलूंगी, इसलिए मैं छुट्टी लेकर यहाँ से आई हूँ, मैं एक बार तो मीटिंग जरूर देखूंगी। मीटिंग में बहुत अच्छा लगा और समय के साथ साथ हमें कंपनी के साथ भी जुड़ना चाहिए और जो भी हम काम कर रहे हैं उनसे, मतलब अलग अलग लोगों से मिलते हैं उनके साथ प्रचार भी कर सकते हैं और हर हर तरीके के विभिन्न विभागों में जुड़कर हम हमारा जिंदगी बेरोजगारी खत्म भी कर सकते हैं। और एक बात और मैं अच्छे से बताना चाहती हूँ सबको, मैं BA MA सब हूँ, लेकिन मैं आपको मेरे ढंग से देखकर आप मैं ऐसे नहीं लगती होंगी कि मैंने MBBA की है, क्योंकि मैं अपने परिवार में उस तरह से मिलकर रहना चाहती हूँ कि किसी को ये न लगे कि मैं घमंडी हूँ और पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है। और मैं 10 साल कम्प्लीट कर रखी है आंगनवाड़ी वर्कर में और मैंने अभी सुपरवाइजर की तैयारी भी कर रही हूँ, और मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का काम करके और ट्रेडिशनल हैंडओवरिंग अभी मैंने सेंटर चलाया था और मैं अभी वो जनसी संस्थान से है ना वो सेंटर चलाती हूँ और घर में सिलाई भी करती हूँ और INC कंपनी में जो लेडीज आती हैं उनका प्रचार भी करती हूँ और सेल भी करती हूँ सामान का। सामान मेरे को, मैंने यूज किया था सबसे पहले सीतू जी मेरे खुद के लिए और मेरे अपने बच्चों के लिए, मैं दीपावली से लेकर होली तक मेरे अपने बच्चों को मैं दवाई देती थी जब सर्दी जुकाम और वगैरह लगते थे, तो मनीष जी ने मेरे को ये सिद्धू सी लगे दिया, मैंने सारे सामान सेल किए थे लेकिन मैंने सोचा एक सामान तो मैं मेरे लिए अपने यूज करूंगी, तो मैंने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मैंने सबसे पहले सिद्धू सी यूज किया और मैंने आज तक उनको और मेरे अपने खुद के लिए मैंने गोली ले ली सिद्धू सी लिया। और मैं सभी को कहती हूँ और यूज करो ना करो, लेकिन सिद्धू सी आप ज्यादा रुपये भी नहीं लगता और जो गोली लेते हो बच्चों के लिए देते हो, हम अपने खांसी जुकाम के लिए भी देते हैं करते हैं, तो आप एक बार तो जरूर सीरीज उसी का उपयोग करके देखो, आपका कुछ नहीं जाएगा। तुम्हें एक बात बताना भूली कि आगे आने वाले दिनों में तुम चुनाव में खड़ी होने वाली हो। मेरा वोट तुमको, कितना अच्छा बोलती है महिलाएं, एक बार अभी आप सब जानते हो अभी चुनाव चल रहे थे नौकों में, तो मैं बता देती हूँ मैं वार्ड नंबर 31 से वैसे पुराने वार्ड नंबर 28 की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ही आप उनसे बात कर लेना,
नगर पालिका श्री नारायण सिंह जी राजपुरोहित उन्होंने कहा था कि 5 साल पहले आप जब डिलीवरी पे गए थे, मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं नगर पालिका रहते हुए भी मैं हार गया था। अब की बार मैं आपके ही उम्मीद पर खड़ा हूँ और आप मेरा साथ दोगे। मैंने उनसे पहले कह दिया था, आप अभी नहीं, चुनाव होने से पहले मैंने कहा आपकी चीज निश्चित है और आप निश्चित हो जाइए। और लोग कहते हैं कि रुपए देने पड़ते हैं, पर रुपए से जीती जाने वाली जीत नहीं होती। हम खुद अपने मकसद और हमारे कर्तव्य से काम करेंगे ना तो जीत अपने आप निश्चित होती है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि भी नहीं, आप जैसा मैंने नहीं देखा। उन्होंने मेरे को ये भी कहा कि तुम साथ चलो, मैं जो मैं लगी हुई किसी के साथ नहीं रहती, लेकिन मैं जो सोच लेती हूँ वो मैं करके रहती हूँ। क्या बात है, ये है हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं। वही जीते, क्या बात है। हम मेरे भी मेरा हाथ देखते हैं। नहीं मतलब कितना कॉन्फिडेंस है लेडी में यार। और तुम यही करती चले गए, भारतीय नारी सब पे भारी। तो मैं इतनी देर से जो चीज बोल रही हूँ वो एक लेडी आके सब समझा गई, डिटेल में समझा गई कि मेरा ये पास्ट रह चुका और मेरा फ्यूचर भी देख लो। सिर्फ बातें अगर इतना सिखाने के बाद भी अगर आप आके यहाँ पे नहीं बोल रहे हो तो मेरे को फिर एक सेशन और लेना पड़ेगा। देख लो फिर से बोर होना है या अभी सीखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा एक नया कॉन्सेप्ट अभी आया हुआ कोविड के बाद, तो बहुत ज्यादा ही आया है। ठीक है, कोविड के बाद क्या चेंज हुआ है लाइफ में, क्या बदला है जिंदगी में हमारे। सारी चीजें ऑनलाइन नहीं हो गई है, सब चीज ऑनलाइन नहीं हो गई है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। तो फिर ये आईएमसी की प्रमोशनल एक्टिविटी भी आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी अब, है ना। ऐसी एक्टिविटीज तो चलेगी लेकिन ऑनलाइन भी अब आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको भी अपना पेज बनाना पड़ेगा, आपको भी ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा और सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी, इससे अब आप नहीं बच सकते। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी मार्केटिंग फील्ड पे। तो आप बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन क्या आप कितने लोगों तक वो बातें पहुंचा पाते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप फेसबुक पे, इंस्टा पे या आपकी ट्विटर पे आप कितने एक्टिव हैं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं टिकटॉक पे पैसे कमा रहे हैं अभी बेकार की फालतू चीजें करके, फिर हमारे पास तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते? अभी भी हम लाइव हैं, शायद बहुत सारी जगह पे लाइव चल रही है, ये हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, है ना, करेक्ट। तो कितने लोग आप यहां से जाके अपना एक अकाउंट बनाएंगे आईएमसी का, हाथ करेंगे 20 से 100 जाने, ऐसे मत करो, ये आता नहीं कर रहे हैं अपने, सब करेंगे ऑनलाइन पेज बनाइए प्लीज, ऑनलाइन फैलाइए अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। आज सारी दुनिया फेसबुक पे है, घर नहीं जाती है लेकिन फेसबुक पे सबको जानती है ना। तो प्लीज ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लीज आप करिए, बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, ईमेल से कई लोग करते हैं, और एक होती है लीड मैग्नेट्स। अब ये लीड मैग्नेट्स क्या होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, बड़ा नया टर्म है, ये कोई मैनेजमेंट के प्रोफेसर ही बताएंगे आपको। किसी को पता है लीड मैग्नेट्स क्या होते हैं, पता है किसी को? नहीं, हाँ चुंबक तो पता है मुझे। लीड मैग्नेट्स होती है कि कोई फ्री ऑफर निकाल के ऑनलाइन और आप अपनी जनता को ऑफलाइन लेके आ जाओ। जैसे मैंने निकाला आईएमसी इस बार इस पे ये फ्री दे रही है, लेकिन इसके लिए आपको स्टोर पे आना पड़ेगा। क्या किया हमने, मैग्नेट की तरह लोग खींचे, किससे खींचे, सोशल मीडिया मार्केटिंग से। पता कैसे चला लोगों को, सोशल मीडिया से पता चला, और जैसे ही वो अपने पास आए फिर हमने अपने प्रोडक्ट समझा दिए। इसको कहते हैं लीड मैग्नेट्स, और बड़ा नया कॉन्सेप्ट है, और अभी एमबीए के सारे स्टूडेंट्स इस पे रिसर्च कर रहे हैं लीड मैग्नेट्स पे, क्योंकि अब जमाना डिस्काउंट देने का, ऑफर्स निकालने का, और यही सब है। हमारी कंपनीज भी बहुत ऑफर्स निकालती है, शायद अभी नए नए ऑफर्स निकाले हैं आईएमसी, ये लीड मैग्नेट्स का ही फंडा है जो कंपनीज कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी मैंने ये समझा दिया है, अ कॉम्बिनेशन एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अगर आपकी कॉम्बिनेशन है आपकी मार्केटिंग में
आप जितने ऑफलाइन अच्छा बोलते हैं उतना ही ऑनलाइन भी एक्टिव हैं। तो भैया आप नेक्स्ट रजनीकांत हैं, नेक्स्ट रजनीकांत हैं फिर आप सुपरस्टार। क्योंकि दुनिया जो है अब ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन हो चुकी है। आप कोई भी एक जगह जंग नहीं जीत सकते, आपको दोनों ही जगह उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी आप अपनी चीजों को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो अब सब लोग जैसे मैंने सिखाया, अच्छा बोलना, टोन, पिच, अच्छे शब्दों को चुनना, कॉन्फिडेंस, ये सीखा है आपने ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन अब आप जाके अपने अकाउंट्स बनाइए, फेसबुक पे अपनी चीजों को डालिए, रोज प्रोडक्ट्स डालिए, उसको समझाइए, इससे आपकी लीड्स जनरेट होगी, उससे लोग आपसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, थैंक यू सो मच आपका पेशेंस नौका वालों का, इतनी देर मुझे सुना, थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी धनाराम जी का, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया, लोगों को इकट्ठा किया, और हो सकता है कि आप लोगों को मेरी कुछ बातों से 100% नहीं तो 1% तो कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अभी भी क्लियर नहीं हुआ, ताली बजा रहे हो, एक बार जबरदस्त मेहनत की है अभी। एक बार सर भी आए हैं, डॉक्टर विवेक सर, एक बार डॉक्टर विवेक सर के लिए जबरदस्त मेहनत। सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अब मैडम ने बोल दिया, मुझे सुनेगी क्या? अब कौन सुनेगा मुझे, इतना अच्छा बोलती है, मैं क्या बोलूंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने भी आईएमसी ज्वाइन किया था, कुछ 6 महीने भी मुझे भी ज्वाइन किए हुए। मैं एक बार बताना चाहूंगा, आईएमसी जो प्रोडक्ट्स है काफी अच्छे प्रोडक्ट्स है, आप यूज करें। मेरा तो एक ही सजेशन है, आप उसको यूज करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों में, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। जैसे मैडम ने बताया भी आपको, ये दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो आप लाइफ में सक्सेस जरूर होंगे। ये मेरा एक मेन फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैडम ने आपको बताया। पहले इसमें एक चीज, आपको पहले प्रोडक्ट यूज करनी पड़ेगी, आप खुद यूज कीजिए इसका और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, तो ही आपको अपने सेवन आपका बढ़ेगा। जो भी मैम ने आपको बताया कि आपका लेवल अभी उन भाई साहब बता रहे हो अच्छा पीछे बैठे हैं, तो बेटा आप यूज करते हो प्रोडक्ट, करते हो ना, तो उसको करो और आप एक्सपीरियंस शेयर करो उसको, इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। और आगे आप चेयरमैन के अचीवी भी बनेंगे आप, ठीक है ना। बस और सर मुझे लगता है ज्यादा सुनना चाहेंगे लोग मैडम के बाद। थैंक यू सो मच, इतने 2 मिनट के लिए सुना आपने पेशेंट से। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, थैंक यू। दूसरा, हमारे बीच में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन रखी है और हमें बहुत बेहतरीन शब्दों के माध्यम से आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इस आईएमसी सिस्टम को लेके और सभी महिलाओं के साथ हमने ये ट्रेनिंग अटेंड की है। तो आने वाले समय में इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम मार्केट में जाके काम करेंगे, लोगों को समझाएंगे, ये हमारे बिजनेस का एक पार्ट है। यानी कि आपके पास कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट आपके पास बहुत अच्छा है, लेकिन इसको बताने का तरीका अब तक हमें मालूम नहीं था। इस तरीके से हम इस चीज को बताएं लोगों को, वो चीज आज आपको जानने को मिली। यानी कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी एक चीज में माहिर होता है, तो वो चीजें इन्होंने आज काफी आज अपने 30 साल के करियर में जो चीजें इन्होंने सीखी है वो आज हमारे साथ एक्सप्लेन की। हमें लगता होगा कि ये चीजें कुछ दिनों में हम सीख जाते हैं, नो, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत तजुर्बा लगता है, बहुत अनुभव लगता है, बहुत साल लगते हैं, तो वो चीजें आज हम तक सीखिए। यानी कि लोग कहते हैं ना कि हम लोगों की समझ में डायरेक्टली नहीं आती है, कि वो कहते हैं ना अक्ल भजीम खाने से आती है। तो अगर हम गलतियां कर करके अगर सुधरेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, हम कब कामयाब होंगे।
और हमारी लाइफ 50 साल में सिमट के आ गई है, क्योंकि हमारा खाना पीना हवा पानी भोजन सब जहरीला है। तो हमें बहुत कम समय में सीखना है, कैसे सीखना है, लोगों की गलतियों से सीखना है। जिस तरीके से आज हम रोशनी के अंदर बैठे हैं, ये रोशनी एक व्यक्ति ने 10,000 बार फेल हो गया था, 9,999 बार, तब जाके 10,000वीं बार ये बल्ब बना। आप उस वैज्ञानिक का नाम भी अच्छे से जानते होंगे, तो सोचिए क्या उसने 9,000 बार जो गलतियां की है वो असफल गई होगी ना। उसने उस तरीके को सीख लिया कि ऐसे बल्ब नहीं बनता है, अगली बार कोई और तरीका ट्राई करूंगा। तो इन्होंने जो चीजें ये मार्केट में पिछले 30 साल में जो सीखी है वो आज हमारे तक पहुंच चुकी है। तो हम 30 साल आगे चल चुके हैं, आज से हमें यहीं से आगे शुरुआत करनी है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी है। तो मैं चाहूंगा हमारी जितनी भी महिलाएं हैं अपने राजस्थान की परंपरा के अनुसार वेलकम करेंगे, माला पहना के, उसके बाद हमने साफा भी अरेंज किया है, तो मैडम को साफा वगैरह भी पहना के। तो मैं चाहूंगा मैडम एक बार स्टेज पर आएंगे, एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए मैडम के लिए। मैं चाहूंगा नेक्स्ट हमारे डॉक्टर विवेक सर के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए सर, कमेंट कर दीजिए। मैं चाहूंगा हमारे जितने भी एसोसिएट हैं माला पहनाए सर को, साउंड माला पहना। हम सब के मॉनिटर यानी कि जिनकी
सफलता से, जिनके प्रयासों से, जिनके कार्यों से आज सब हम सब कुछ सभी लोग इस आईएमसी के विशाल वृक्ष के नीचे सब कुछ अपने जीवन की सारे सपने पूरे कर रहे हैं। कई सारे लोग आज ज्वाइन हुए हैं, आने वाले समय में वो आगे अपने अपने सपने पूरे करने वाले हैं। यानी कि इस एरियाज के अंदर आईएमसी को जन्म देने वाले, आईएमसी बिजनेस को लाने वाले, और आज हम सब लोग उन्हीं की देखरेख में इस बिजनेस को कर रहे हैं। यानी हम सबके गुरु यानी महागुरु, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग के साथ बुलाना चाहूंगा मिस्टर सुजीत सिंह जी को, जबरदस्त क्लैपिंग के साथ और काम के साथ चाहूंगा हमारे आईएमसी के पांच लोग आए, जबरदस्त क्लैपिंग करती रहती है। दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी अपना जो समय निकाल के आए हैं, एक एम लेके आए हैं, एक सपना लेके आए हैं कि हमें वहां पे जाके आज बहुत अच्छी हेल्थ मिलने वाली है, ऐसा कुछ सोच के आए होंगे। हाँ जी, कुछ ना कुछ मैसेज हुआ होगा आपको, और वहां पे जाके आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, ऐसा कुछ मैसेज मिला होगा आपको। तो दोस्तों वो सारी चीजें आज मैं धनाराम जी और पूरी नोखा टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं एक बार जबरदस्त ताली के साथ। दोस्तों अभी बहुत सारी बातें हुई होगी, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया गया होगा, हाँ जी, आपको बिजनेस प्लान के बारे में बताया गया होगा, कुछ बात समझ में आई आपको, हाँ जी, अपॉर्चुनिटी की बात कुछ समझ में आई आपको, ये बिजनेस क्या है। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों, नाम सुरजीत सिंह जोधपुर से, और पिछले लगभग 8 साल से इस अपॉर्चुनिटी को मैं सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। दोस्तों हम अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो इसमें किसी बिजनेस को, धंधे को, व्यवसाय को करते होंगे, बहुत सारे लोग किसी नौकरी को करते होंगे, पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं ना हम लोग, हाँ जी, या नौकरी वाले कितने दोस्त हैं हमारे, नौकरी वाले, यस मैडम है, और कोई नहीं, सबका अपना बिजनेस है, अपना बिजनेस किसका है, धंधा किसका है, वेरी गुड, जोरदार तालियां सबके लिए। दोस्तों हम अपने जीवन को चलाने के लिए यानी पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, और यहाँ पे क्या बात है, नोखा वाले पैसे की तरफ कुछ ज्यादा है नहीं क्या आपका, हाँ जी, अच्छा स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे, यानी कि अभी हमारे बीच में ऐसे लोग बहुत ज्यादा तादाद में हैं जो भी किसी मतलब पैसा कमाने की तरफ नहीं जा रहे, हम अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यही है ना जी। लेकिन हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ एम होता है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करें, है ना, जैसे आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग क्या सोचते होंगे, अभी आपकी सोच क्या बनती है, किसी अच्छी सरकारी नौकरी पर जाए, ऐसा ही जी, हर इंसान ऐसा ही सोचता है। मेरे जैसे मैं अगर बात करूं तो अगर अपने घर के अंदर बच्चा होता है तो हम उसको पढ़ा लिखा के क्या बनाना चाहते हैं, हाँ जी, कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं ना, कोई ये तो नहीं सोचता कि मेरा बच्चा बड़ा होकर चपरासी बनेगा, ऐसा सोचते हैं क्या, लेकिन होता क्या है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी एबिलिटी के अनुसार, वो धीरे धीरे चल के जब बड़े हो जाते हैं
हमारे जो सपने बनते हैं दोस्तों, अगर हमारा डॉक्टर का सपना है, अगर हम उसकी तरफ पूरा प्रयास करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, जितने भी प्रयास उसके लिए करने चाहिए, तो हमारा बच्चा डॉक्टर बनता है या नहीं बनता? हाँ जी, क्लास में 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं कि सारे डॉक्टर बन जाते हैं, कौन बनता है? हाँ जी, बनता कौन है? जो उसके लिए सही कीमत लगाता है। कीमत अदा करते हैं ना हर काम के लिए। हम अगर कोई बिजनेस खोलते हैं तो उसके ऊपर भी हमारे प्रयास होते हैं। हमारे बीच में आज डॉक्टर सुनीता जी और विवेक जी सर हैं, आपने इनको सुना, और इनका जो बिजनेस है उसके बारे में भी आपने जानकारी ली। आज 3-3 बिजनेस ये रन कर रहे हैं और उसमें सक्सेस है। कारण क्या है? उसके लिए इन्होंने जो एफर्ट्स लगाने चाहिए, जो कीमत अदा करनी चाहिए, वो इन्होंने की है। हम लोग भी पढ़ाई के अंदर भी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आज हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने फर्स्ट डिविजन को फर्स्ट डिविजन लें, लेकिन क्या हमारी तैयारी उस तरीके की है क्या? वो हमें अंदर से पता होता है ना। एग्जाम देने जाते हैं और दे के आते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे नंबर कितने आएंगे, होता या नहीं होता है? तो हम अपने जीवन के अंदर दोस्तों जो बनना चाहते हैं वैसा हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो हर इंसान चाहता है हम अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ कामयाबी लें। तो दोस्तों IMC बिजनेस, बहुत सारी बातें आपने अभी सारी बातें हो चुकी है कि हमारा बिजनेस क्या है, हमें उसको, हम उसे क्या ले सकते हैं, लेकिन ले कैसे सकते हैं, मैं उसके ऊपर बात करूंगा आपसे। आज से 8 साल पहले जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय मेरी हेल्थ को लेके मैंने इस बिजनेस के अंदर अपने आप को लेके आया था। मुझे कुछ हेल्थ चैलेंज थे, मुझे बहुत जल्दी मेरी इम्यूनिटी बहुत कमजोर थी, बहुत जल्दी सर्दी जुकाम लग जाना, और खांसी और जुकाम 2-2, 3-3 महीने तक ठीक नहीं हो पाते। उस चीज को लेके मैं बड़ा परेशान था, बहुत सारी एलोपैथी मेडिसिन ली, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा था कि मुझे आयुर्वेद में कुछ मिले, तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूं मेरे ग्रेट अपलाइन जिनके माध्यम से यह बिजनेस मुझे मिला, मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी के लिए जबरदस्त ताली चाहूंगा। उनके माध्यम से दोस्तों मुझे कुछ प्रोडक्ट मिले और उन प्रोडक्ट को मैंने काम में लेना शुरू किया। आप सभी को पता है कि हमारे एक बहुत ही जो हीरो प्रोडक्ट है जिसके अंदर श्री तुलसी आता है, सभी जानते हैं, एलोवेरा जूस आता है, हिमालयन बेरी आता है, ये हमारे की प्रोडक्ट हैं। इनके माध्यम से हम अपने शरीर की इम्यूनिटी ताकत जो हमारी शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं, और ये सर्दी जुकाम एलर्जी इस तरह के जितने भी हमारे पुराने रोग उसको ठीक कर सकते हैं। सभी को पता है, बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा, देन मैंने भी यूज किया दोस्तों। लगातार चलते चलते मुझे मेरा जितनी भी प्रॉब्लम थी कब ठीक हो गई मुझे पता नहीं चला, और उसके बाद में दोस्तों जैसा अभी आपने बताया है, मैडम ने अभी बात की आपसे, कि श्री तुलसी लेके हम पूरे सर्दी से लेके यानी दिवाली से लेके होली के बीच में जो मौसम रहता है उसके अंदर हमें सर्दी जुकाम होता ही है, तो उसके बाद में मुझे कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या दोस्तों आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो? हाँ जी चाहते हैं ना। तो दोस्तों आज एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं, बहुत अच्छी जानकारियां आपको प्रोडक्ट मिल रही है, तो उस प्रोडक्ट को फायदा कब हम ले सकते हैं? जब हम उसको क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो दोस्तों मैंने प्रोडक्ट यूज करके इस अपनी जो हेल्थ थी उसको अच्छा किया, मेरी फैमिली के अंदर मैंने प्रोडक्ट देने शुरू किए। जैसे आपने देखा होगा ना छोटे बच्चे, मेरे बच्चे उस समय लगभग यही 7-8 साल की गुड़िया थी, और हर आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब होते हैं हमारे घर में तो उनको 3 महीने के बाद में डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, होता ना ऐसा? तो ये सारी चीजें लेने के बाद में दोस्तों वो डॉक्टर के पास जाने का जो सिलसिला बिल्कुल बंद हो गया, और बंद होते होते मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हमारे प्रोडक्ट बहुत ही कामयाब है। देन दोस्तों मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पता लगा कि इस अवसर को पाके इस काम के माध्यम से हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। मैं बात कर रहा था दोस्तों जिस तरीके से आज बहुत सारे लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सर्विस कर रहे हैं, तो मेरा खुद का रेस्टोरेंट है जोधपुर के अंदर, पिछले 40 साल से उस चीज को हम लोग रन कर रहे हैं। वहां पे हमें 40 साल में जो मिला है दोस्तों, आज सभी लोग जितने भी व्यवसाय करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, हम सभी को पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं लेकिन वो चीजें हम पा नहीं पाते हैं जो हमें उस धंधे से हम लोग चाहते हैं, होता या नहीं होता ऐसा? इसी तरह से नौकरी के ऊपर, जब भी हम किसी नौकरी को करते हैं उसके अंदर भी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर हमारी इनकम 50,000 हो जाए, 60,000 हो जाए, क्या ऐसा हो पाता है क्या? हाँ जी, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों। पिछले 40 साल से तो मेरे फादर साहब ने काम शुरू किया था, पिछले 20 साल से लगभग उसको मैं रन कर रहा था, लेकिन मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ पा रहा था।
आपने देखा होगा जब भी कोई धंधे की बात करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो हम उसमें बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं? मैंने देखा अब क्या किया जाए, बीच में एक बार एसटीडी का युग आया, एसटीडी का जमाना देखा सबने, एसटीडी पी से हो गए थे, मैंने उसके लिए प्रयास किया, मैंने मेरे रेस्टोरेंट को थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा वहां पे मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। इसी बीच में ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास में आई दोस्तों, इसको मैंने समझा, जैसे अभी आपने बिजनेस प्लान के माध्यम से देखा होगा कि इस काम के अंदर आज की डेट में जिस तरीके से हम लोग सिंगल लेवल पे अपनी दुकान का सेटअप ऊपर करेंगे तो ग्राहक आएगा तो उससे हमें पैसा मिलेगा। हम अपनी नौकरी पे जाएंगे, 8 घंटे नौकरी करेंगे तो हमारे घर में पैसा आएगा। अगर हमारा सेंटर बंद रहेगा, हम नौकरी पे नहीं जाएंगे तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को दोस्तों आप अच्छे तरीके से समझें, अच्छे तरीके से समझें कि ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर दोस्तों आप अकेले काम करने वाले नहीं होते हैं, आपके माध्यम से मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग। आज दोस्तों जितने भी प्रोडक्ट हमारे बिजनेस के अंदर सिस्टम के अंदर है, क्या वो हर घर के अंदर काम नहीं आते? हाँ जी आते हैं। आपने मार्केट के बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे दोस्तों, लोग तो ऐसे इस तरह के प्रोडक्ट बेच के अपने आप को बड़ा पैसे वाला बना चुके हैं। 1 रुपए का तंबाकू की पुड़ी बिकती है या नहीं बिकती? हाँ जी बिकती है। और आपने नाम सुना होगा मिराज का, राजस्थान में तो मैंने बहुत देखा है लोगों को। हाँ जी खाते ही हैं, बहुत खाते हैं। लेकिन जितने भी दोस्त खाते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी आप उदयपुर जाएंगे, उदयपुर की एंट्री के समय मिराज नाम के बहुत बड़े बड़े वहां पे बिल्डिंग्स खड़े, वो किससे बने? वो किससे बने? 1 रुपए की पुड़िया से। यानी बिजनेस के अंदर इतनी पावर है दोस्तों कि उस व्यक्ति ने 1-1 रुपए का मिराज हम लोगों को खिला के बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली और बहुत बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। वो पावर है दोस्तों उसके माध्यम से, व्यापार के माध्यम से। इसी तरह से दोस्तों हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्या आज श्री तुलसी हर घर की जरूरत है या नहीं? हाँ जी हर घर की जरूरत है ना। हम लोग कभी भी किसी गांव टाणी में जाते हैं, वहां पे पार्ले जी का बिस्किट मिलता है या नहीं मिलता? तो उसका जो बेनिफिट है वो किसको जाएगा? पार्ले जी को जाएगा। उसी तरह से दोस्तों हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, उस चीज को आप लोग समझें, क्योंकि आज तक हम सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी ब्रांड के ग्राहक हैं। हम लोग प्रोडक्ट घर पे लेके आते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान लीवर का है, चाहे बाबा रामदेव जी का है, उसके हम लोग क्या है? केवल मात्र कस्टमर है। लेकिन ये सिस्टम हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप इस बिजनेस के मालिक बन सकते हैं, और कंपनी प्रोडक्ट बनाने से लेके आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस ब्रांड की तरह काम करना है, जिस तरह से विज्ञापन के अंदर अमिताभ, शाहरुख, सलमान, इस तरह के जितने भी ब्रांडेड लोग आते हैं, उनकी तरह हमें लोगों के बीच में इसकी सही जानकारी देनी है। जब ये सही जानकारी दे गए, हमारे 130 करोड़ पर जहां पे अपने हिंदुस्तान के अंदर आबादी है, उन सबको हम लोग अपने प्रोडक्ट को यूज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? तो इस सिस्टम के अंदर इतनी पावर है। जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आपने देखा होगा जितने रजिस्टर्ड आपके माध्यम से लोग होते हैं, परिवार होते हैं, जब उनके पास ये प्रोडक्ट जाना शुरू हो जाएगा तो आपकी इनकम कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी, डेफिनेट बढ़ेगी। आज दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि आपके पास एक ऐसा मौका है, आप अगर बिजनेस माइंडेड हैं, आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं, तो आपके अगर आपको अपने गांव के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर अगर किराने की दुकान लगाते हैं, तो आपके पास किराने की दुकान पे कौन लोग आते हैं? आपके आसपास के लोग, वही आएंगे। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि पूरा हिंदुस्तान आपका ग्राहक बन सकता है। बन सकता है या नहीं बन सकता? हाँ जी, क्योंकि इस सिस्टम की पावर है। तो आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपने साथ में कस्टमर बना सकते हैं, उनको अपने सिस्टम में लाके एक बहुत बड़ा टर्नओवर पैदा कर सकते हैं। लेकिन क्या है, हमारी गली मोहल्ले में लगने वाली दुकान ऐसा कर सकती है क्या? आपने देखा होगा हमारे गांव का सेठ जो 60 साल से पीढ़ियों से बिजनेस कर रहा है, यानी उसकी पीढ़ियां उसके अंदर लग चुकी है, उसको हम लोग सेठ कहते हैं, क्या वो अपने गांव का तो पैसे वाला हो सकता है? क्या कभी हमारे जिले का पैसे वाला बनाएंगे? हाँ जी, आज अमेजोन का नाम सभी ने सुना, अमेजोन उसका ग्राहक कौन है? सारे लोग हैं। अभी वो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति है या नहीं? वो पावर किसकी है? वो पावर है नेटवर्क की, और वो पावर आपको और हमें किससे मिली है? आईएमसी के माध्यम से। तो एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए ना ऐसे सिस्टम के लिए।
तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, मैंने इस सिस्टम की शुरुआत की, शुरुआत करके मैंने कुछ लोगों से बात की और बात करने के साथ ही इस बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि हमें किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, अगर हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो वो चीज एक दिन में नहीं आएगी। यहाँ पे जितने भी मेरे साथी हैं अभी जिनको बुलाया गया था, उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। ये चीजें पहले दिन आप अगर 100 लोगों को बताएंगे तो एक व्यक्ति आपकी बात मानेगा, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस और उतना विश्वास हम लोगों में नहीं होता है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि आप एक व्यक्ति से बात कर रहे होंगे लेकिन 100 लोग उस चीज को समझ चुके होंगे, यानी कि आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी। तो धीरे धीरे करके दोस्तों हमने बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। हमारे बीच में हमारे लीडर बैठे हैं मिस्टर विशाल संकवाया, सबसे पहले इनको मैंने ज्वाइन करवाया था। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा एनर्जेटिक पर्सन के लिए। तो बिजनेस की शुरुआत हमने की, करते करते दोस्तों एक ऐसा कारवां खड़ा हो गया कि आज लगभग 20,000 लोग मेरी टीम के अंदर हैं। और राजस्थान में जब शुरुआत हुई थी उस समय केवल मात्र जोधपुर के अंदर एक आउटलेट एक हमारा सीएडएफ हुआ करता था, लेकिन आज पूरे वेस्टर्न राजस्थान के अंदर बहुत सारे आउटलेट्स और टीडीज खुल चुके हैं, हजारों लोगों की तादाद है। दोस्तों ये कारवां आपके साथ भी खड़ा हो सकता है, आपके पास भी सेम अपॉर्चुनिटी है जो मेरे पास है। और इसी अपॉर्चुनिटी से दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आज इतना बड़ा जो कारवां किसी सिस्टम के अंदर आपको मिला है, तो वो सिस्टम आपके घर में जो पैसा भेजता है, आपके जो टर्नओवर का पैसा आएगा, क्या वो कम होके आएगा या ज्यादा होके आएगा? हाँ जी, वो बढ़ता जाएगा या नहीं बढ़ेगा? तो दोस्तों इसी तरह से ये कारवां बढ़ता गया और आज कहते हैं कि समय और पैसे की आजादी हर इंसान चाहता है। हाँ जी, चाहते या नहीं चाहते? आज हम अगर कोई धंधा कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, जैसे आपने बताया अभी दीदी ने कि मैं बड़ी मुश्किल से वहां से आई हूं क्योंकि इनकी ड्यूटी चल रही है ना, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसी तरह से बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो अपना कहीं ना कहीं दुकान छोड़ के आए होंगे, अपना धंधा छोड़ के आए होंगे, वो हमारे लिए एक चैलेंज है। अगर हम अपनी दुकान पर बैठेंगे तो दोस्तों पैसा आएगा, अगर नौकरी पर रहेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है दोस्तों कि एक बार आपने नेटवर्क बना लिया, एक बार आपने बहुत बड़ा नेटवर्क जब आपका क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद में चाहे आप 10 दिन घर में बैठे हुए हैं, कहीं घूमने चले गए हैं, लेकिन सिस्टम के माध्यम से सिस्टम आपके घर में पैसा भेजेंगे। क्योंकि लोग ये नहीं सोचेंगे कि आज तो धनाराम जी शिमला में घूम रहे हैं, हमें पैसा नहीं देना, हमें ब्रश नहीं करना है, हमें पैसे नहीं करना है, ऐसा सोचेंगे क्या? हाँ जी, अगर धनाराम जी शिमला जाके व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर अच्छे अच्छे फोटो डालेंगे और ये बताएंगे कि पिछले 5 दिन से मैं शिमला के अंदर हूं, तो हमारी सोच क्या बनेगी? हमारी सोच ये बनेगी कि मुझे भी धनाराम जी जैसा बनना है और इस तरह की टाइम और पैसे की फ्रीडम हमें भी लेनी है। तीसरी चीज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, पैसा और टाइम जो हमें यहां पर मिलता है उसकी फ्रीडम मिल गई, एक बहुत ही अहम चीज होती है दोस्तों, वो हर इंसान चाहता है कि जब तक मैं इस धरती पे हूं तब तक तो मेरे परिवार को इसका बेनिफिट मिल रहा है। मैं इस दुनिया से जाऊं तो पीछे कुछ ऐसा काम करके जाऊं कि मेरे रहने के बावजूद भी एक ऐसा सिस्टम बना के जाऊं, मैं रहूं या ना रहूं मेरे पीछे इस सिस्टम के माध्यम से इनकम आने का सोर्स बन जाना चाहिए। ऐसा सोचते हैं या नहीं हम लोग? हर इंसान सोचता है, हम चाहे 10,000 की नौकरी से पैसा कमाते हैं, चाहे अपना किसी बिजनेस से कमाते हैं, हम कहीं ना कहीं वो पैसा कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे वो पैसा हमें डबल होके मिलता है, यानी चाहे वो 5 साल में मिलता है या 6 साल में मिलता है, ऐसा होता है या नहीं? साथ ही साथ हम सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? LIC करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। अब इंश्योरेंस से आया हुआ पैसा किसी इंसान के जाने के बाद में उसके पूरे जीवन भर उसके परिवार के काम आ सकता है क्या? वो दोस्तों 10-12 दिन के अंदर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सिस्टम आपको एक ऐसा फ्यूचर की सिक्योरिटी देता है, आपका किया हुआ काम, इंसान काम कितने साल करता अपने जीवन के अंदर? हाँ जी, 40-50 साल। और हम छोड़ते कब है काम को? या तो अगर गवर्नमेंट जॉब है तो हमें गवर्नमेंट क्या कर देती है? रिटायरमेंट दे देती है। देन अगर हम कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा शरीर जब काम करना बंद कर देता है तो हम उस काम को नहीं कर पाते, यही होता है। यानी हम अपने जीवन के अंदर 40 साल काम करते हैं, 40 ईयर्स। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी केवल मात्र अगर हम 2 से 5 साल सीरियस होकर कर लें तो हम समय और पैसे से फ्री हो सकते हैं और आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप इस धरती में हैं या नहीं हैं,
आपके जाने के बाद में, हमारे जाने के बाद भी ये सिस्टम हमें पैसा देता है। आज अगर डॉक्टर इस दुनिया से चला जाता है तो क्या उसकी डिग्री उसके काम आती है क्या, उसके परिवार के काम आती है क्या? आज अगर कोई मजदूर अपनी मजदूरी पे जाता है, फैक्ट्री में जाता है, उस इंसान के जाने के बाद में कोई भी फैक्ट्री मालिक उसके घर में पैसा भेजता है क्या? हाँ जी, लेकिन दोस्तों ये ऐसा सिस्टम है, एक बार आपने इसको बना लिया, एक बार आपने इसको डेवलप कर लिया, हम रहे या नहीं रहे इस धरती पे, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से आने वाली इनकम हमारे घर को, हमारे हमारे परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहेगी। तो इस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, एक बड़ी सोच के साथ में आप इस बिजनेस को सोचे समझे, क्योंकि दुनिया के अंदर इस धरती के ऊपर हर इंसान की अपनी एक सोच बनती है कि हम अपने लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि तभी तो हम कर पाते हैं ना। बहुत सारे लोग हैं वो साइंस के स्टूडेंट बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आर्ट्स को अटेंड करते हैं, ऐसा होता है ना, वो क्या होता है हमारा माइंड सेट होता है। बहुत सारे लोग फौज में जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपना कुछ धंधा करना चाहते हैं, तो ये हमारी सोच बनती है। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए इक्वल है दोस्तों, हम इस बिजनेस के अकॉर्डिंगली अपनी सोच बना सकते हैं, और इस सोच के लिए जब भी आप सोचेंगे तो उसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या हम जो भी काम कर रहे हैं उससे हमें अच्छा पैसा या अच्छी इनकम आ रही है? अगर नहीं आ रही तो दोस्तों उसके साथ में हमें कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या जो मैं काम कर रहा हूं उससे मुझे पैसे के साथ साथ समय की फ्रीडम मिल रही है या नहीं मिल रही है, उस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी चीज मैंने बताई आपको, फ्यूचर की सिक्योरिटी, क्या जो धंधा मैं कर रहा हूं, जो बिजनेस मैं कर रहा हूं या जो मैं नौकरी कर रहा हूं, मेरे जाने के बाद उस बिजनेस से मेरे घर को पैसा आएगा या नहीं आएगा, ये तीनों चीजों के ऊपर दोस्तों हमें सोच बनानी पड़ेगी। अगर हमें किसी काम से ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों IMC बिजनेस, उसके लिए हमें काम करना है। साथ ही साथ दोस्तों मैं मेरी बात को एक कहानी के माध्यम से क्लोज करना चाहूंगा। ये बिजनेस एक सोच का बिजनेस है दोस्तों, क्योंकि सोच हमें बनानी पड़ती है। आज एक सोच बनी थी आज से लगभग 13-14 साल पहले, एक बार जबरदस्त ताली चाहूंगा डॉक्टर अशोक भाटिया सर के लिए जो इस सिस्टम को बना है। हमारे एनर्जेटिक मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सत्यन जी भाटिया के लिए एक बार जबरदस्त ताली चाहूंगा। सिस्टम के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को स्वस्थ करना और लोगों को अमीर बनाना, क्या हम चाहते हैं हम स्वस्थ हों और अमीर बने? तो उनकी एक सोच बनी थी दोस्तों, उसी के ऊपर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। उसी सोच को लेकर मैं आया था राजस्थान के अंदर, जब काम की शुरुआत हुई थी उसी सोच को लेकर हमारे जितने भी लीडर्स हैं मिस्टर विशाल जी आए थे, और उसी सोच को लेकर धनाराम जी और हरिकिशन जी आप लोगों के बीच में जो काम कर रहे हैं। एक बार की बात है, एक राजा थे, बहुत ही प्रतापी राजा थे, भगवान को बहुत मानते थे, भगवान उन पे बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद में राजा जी के पास आए, राजा जी को बोला कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, बताइए आप क्या वरदान मांगते हैं? होता है ना, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ देना चाहते हैं।